साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। और नगर निगम का एक आंदोलन चला था कि छुट्टा जानवरों को सड़क से दूर किया जाएगा। यह सीएम सिटी के घोष कंपनी चौराहे की बानगी में दिखा रहा हूँ, जहाँ पे सांड जो है वह खड़ा है, साथ में तमाम गायें खड़ी हैं। और यह घोष कंपनी से जिला चिकित्सालय का मुख्य मार्ग है और आधी सड़क पर इनका तांडव मचा हुआ है। अभी दो आदमी मरते मरते बचे हैं, इन्होंने अटैक किया था। केवल बैठकों में नगर निगम इस मुद्दे को उठाता है, बाद में भूल जाता है। आखिर कब तक ये छुट्टा सांड लोगों के मौत का कारण बनेंगे, यह बताना एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा है। और ग्वाला केवल दूध दुहने के बाद इनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये पॉलिथीन और अन्य जो कचड़े के आइटम हैं, इनको लगातार खा करके मरने की स्थिति में जाती हैं। यहाँ पे फल मंडी के पीछे लावारिस जानवरों को रखने के लिए गौशाला का निर्माण किया गया है, तभी भी ये सड़कों पे गंदगी फैलाते हैं और तमाम तरह से अब घूमते फिरते हैं और मौका पाते ही लोगों पे हमला कर देते हैं, जिससे लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे पशुचालकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको कान्हा उपवन में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो गोपालक हैं, इनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करते हुए अधिक से अधिक अर्थदंड लगाना चाहिए, ताकि यह दोबारा गलती करने में एक बार सोचें।